बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक से विष्णु मंदिर तक सड़क के किनारों वालों के ऊपर अतिक्रमण करने वालों पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा की निगरानी में बुलडोजर चलकर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण हटाते समय नगर निगम के कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। कुछ जगहों पर अतिक्रमणकारियों से नगर निगम प्रशासन की नोकझोंक भी हुई, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों की सूझबूझ से कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। अतिक्रमण के दौरान सड़क के किनारे कुछ दुकानदारों ने विद्युत कर्मियों की मिलीभगत से बिजली का कनेक्शन भी ले रखा था, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने जांच करने को भी कहा है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय महिला और अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा ने कहा, के सामान की दुकान थी, जैसे कि चौका बेलना घर गृहस्थी का सामान था। अब तीन बच्चे हैं मेरे, मैं अकेली रहने वाली, कहाँ कैसे बचूंगी पल्लों को मैं, कैसे यहीं से मेरा क्या कहते हैं कि घर का खर्चा चलता था, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। देना चाहिए था हमारे लिए, कुछ सोचना चाहिए था, तब ये सड़क बनानी चाहिए थी, फोर लेन की सड़क। हम भी चाहते हैं कि गोरखपुर क्या कहते हैं कि अच्छा बने, फोर लेन की सड़क आए, इसका भी विकास हो। बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, किसके नाम से? जी वो मेरे पापा का, रविंदर सिंह के नाम से मीटर है। कब लगा था? काफी साल हो गया, 8-10 साल हो गया। बिजली का कनेक्शन था वो अवैध तरीके से लगा हुआ था क्या? अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से लगा हुआ है, नगर निगम से उसमें लगा हुआ है वो। ऐसा है कि धर्मशाला पुल से वो विष्णु मंदिर तक कल हम लोगों ने अभियान चलाया था, जैसा कि आप अवगत हैं, और हम लोगों ने काफी जो अनाधिकृत कब्जे हैं वो हटाए थे। आज वो कल हम लोगों ने कब्जे हटाए थे तो काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था, आज हम उस मलबे को साफ करा रहे हैं ताकि सड़क चौड़ी हो सके और लोगों का आवागमन और जाम की स्थिति से मुक्ति पा सकें। ये चलेगा, ये अनवरत चलता रहेगा जी। देखा जाता है कि ऐसा अतिक्रमण हटाया जाता है विभाग द्वारा जी जी, दोबारा असर हो जाता है, आपकी बर्बाद भी हो जाता है। नहीं, अब की हम लोगों ने जो अतिक्रमण हटा रहे हैं उसको पुलिस को भी लेटर भेजेंगे। शासन आदेश में चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है कि जो कंसर्न इलाके के इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, उनका भी दायित्व है कि अतिक्रमण दोबारा ना हो, जहाँ पे एक बार अतिक्रमण हटा दिया जाए। हम लोग पुलिस को भी प्रथम भेजेंगे, इसके अतिरिक्त हम लोग समय समय पर अभियान चलाएंगे ताकि लोग स्थापित ना हो सकें। दुकानदार पटरी वाले थे जिनके बिजली का कनेक्शन भी लगाया गया था, बिजली का कनेक्शन तो ये बिजली विभाग का दायित्व है, उनको देखना है। हम लोगों ने कल अपने इलेक्ट्रिक वाली जो हमारी एलिवेटर थी उसको मंगा करके हम लोगों ने सारे कनेक्शन कटवाए,
और ये इसकी जांच का विषय है कि कैसे इन लोगों को कनेक्शन मिल जाता है, वो भी हाई टेंशन लाइन से।